स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? फ्लावर समझे थे है में फायर तो वेलकम डी टी आर्मी क्या हाल चाल आप सभी के तो वेलकम डी गैंग क्या हाल चाल है आप सभी के दोनों में से कौन सा सही लग रहा है मेरे को कमेंट में बताना डी गैंग थोड़ा सा ना भारी वर्ड लग रहा है मेरे को क्योंकि जब भी मैं डी गैंग बुला रहा हूँ ना तो ये वैसा साउंड कर रहा है जैसे कि द अर्थ हो गया या फिर द लेजेंड हो गया अच्छा हमको है है या फिर हम कह सकते हैं कि द उन्हीं के आगे लगता है, जिनका बहुत महत्व होता है तो मेरे लिए आपका बहुत ज्यादा महत्व है इसलिए मैं आप सभी को डी गैंग बुलाना चाहता हूँ अगर आप लोग कमेंट में बताओगे मतलब बोलोगे तभी मैं डी गैंग बुलाऊंगा वरना तो डी टी वी सही है पर डी गैंग मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि डी गैंग साउंड कर रहा है दी गैंग के बराबर में समझ रहे हूँ मतलब आप लोग लेजेंड हो हाँ भाई मेरे लिए सच में हो चल बस क्या खेर बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की तो आज का गेम प्ले फिर से हम रेंडम के साथ खेलते हैं ऑन करके स्टार्ट करते मैच को नंबर तीन और नंबर चार रेंडम होते हैं और आज का रेंडम मैच थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये रेंडम शुरू में नहीं बोलते पर वो कहते हैं ना कि गूंगे भी बोल पड़ते हैं मतलब गेम प्ले देख के इनसे रहा नहीं जाएगा ये माइक खोल के बोलेंगे और जो ही बोलेंगे ना वो सुन के तो आपको मजा ही आ जाएगा तो वीडियो को एंड तक देखने का इस फाइट काफी खतरनाक है इस वाले गेम प्ले में बोले तो फुल रश गेम प्ले तो फिलहाल हम लोग की लैंडिंग होती इसको के ऊपर और यहां पे बहुत सारे बंदे अगर ये शॉर्टगन मेरे को पड़ जाती ना तो अभी के अभी पात मार देती मेरी बेटी <laughs> लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं बच चुका हूँ पाल इनकी बेटी ने मार दिया है तो यहाँ पे इनको मार के लूट के एक बोट आता है उसको मारता हूं उसके बाद सीधा आता हूँ अपार्टमेंट की तरफ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे तो इनको भी पदवाना है थोड़ा <laughs> कैसी बातें कर रहा हूँ मैं पात मतलब मारना है थोड़ा बस अभी पेटी बन ही जाती मेरी क्योंकि इस बंदे ने उसी रिलोड होने ही नहीं दी मेरी मतलब पंद्रह गोली थी सारी खत्म हो गई वो तो अच्छा हुआ बंदे की खुद की उसी भी रिलोड पर डल गई और मैंने पे स्ारियल चेंज करके इस बंदे की पेटी बना दी इसी के साथ ये डूवो खत्म हो जाता है पर अभी एक और फायर आता है स्कारियल इस का इसका मतलब और बंदे हैं तो मैं सोचता हूँ एक ही होगा यार देखा जाएगा जो भी होगा पर भाई ये एक पूरी पूरी पु टीम होती है सिर्फ शिकार करना जानता है डर कर भागना नहीं मजा आया तो इन बंदों को पड़ता है सीधा हेड और बन जाती पूरी टीम की पेटी अब टेस्ला लेके हम लोग और बंदों को ढूंढना निकल पड़ते हैं जैसे ही वोटर सिटी की तरफ आते हैं ना तो मेरे को साउंड आती है एक डासिया की और भाई यहाँ पे जो सीन होगा ना उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को अच्छा बादी बादी। यहाँ पे तीन किल लेने की खुशी नहीं है मेरे को मेरे को दुख है एक किल जाने का वो एक किल में ले लेता पर पता नहीं मेरी ग्रोजा का स्कोप खुलता ही नहीं है इतनी बार स्कोप स्कोप के बटन को दबा रहा हूं, पर खुल ही नहीं रहा फिर हिप फायर से फोकट गोलिया वेस्ट कर दी और एक किल भी नहीं मिली तो थोड़ा दुख हो रहा था पर कोई ना तीन किल मिली तो उससे काम चला लेते हैं अब यहाँ से लूट टूट करके हम लोग आते सीधा फ्लेयर पे और यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच शुरू होता है क्योंकि रेंडम्स बोलते हैं अभी ये जो इतनी चोर में रश कर रहा हूँ ना मैं ऐसा आप मत करना वो तो मेरे पीछे टीममेट है इसलिए ये बंदा डरा हुआ है nice. बहुत अच्छी बहुत तो इस डर का हमने बखूबी अच्छी तरीके से फायदा उठा लिया है यहाँ पे इन तीनों बंदों की बेटी हम बना देते हैं और फाइनली अब रैंडम बोला है तो ऐसे आगे भाई बोलते रहेंगे इनको लगने लग जाता है कि मेरा YouTube चैनल होगा तो भाई मैं ऐसे पूछते हैं भाई कौन सा YouTube चैनल है आपका तो वो सब सीन आप लोग सुनो और यहाँ पे सामने बंदे हैं क्या नाम है भाई आपके चैनल का बाप बंदे बहुत नीचे यहाँ पे कोई दिखा इस आखिरी वाले बंदे को और मेरे को ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के टीम मेट्स हैं मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ उसको छोड़ के वो ऊपर आ रहा मेरे को छोड़ के फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि भैया ये तो एनिमी है तो फटाफट से यहाँ पे लड़ भिड़ते हैं हम लोग पेटी बना देता हूँ मैं इनकी उसके बाद एकोटी है जो दूर से हम पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है और वो टीम हमारे बंदों को नोक कर देती है और फिर रश भी कर देगी थोड़ी देर बाद आसम awesome. वर्दी के चलते मेरे भाई टेंशन का ही को ले रहे हो सबको मार दिया जब तक मैं जिंदा हूं ना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरा देवा 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 मैं तो तेरे को हराम ही समझता था तो तो राम निकला रे देव मानुष निकला भाई ये चार नंबर क्यों नहीं बोल रहा इसके मुंह में जवान <laughs> कितने किलोगे भाई आपके मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे इस वाली टीम को पता ही नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ पहला बंदा नेट से नोक क्या दूसरे को मैंने ऊपर चढ़ के मारा और फिर तीसरे को तो कूदते हुए मारा तो तीनों की हम लोग पेटी बना देते इसका लास्ट बंदा है पता नहीं कहाँ है वो हमको मिलेगा एंड टेंशन मत लो पर काफी देर बाद यहाँ पे एक ही बचा है तो हम उसको ढूंढ रहे थे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि सब लोग साथ में मिल के मारेंगे तो आखिरी बंदे को हम काफी देर तक ढूंढते हैं वो हमको कहीं नहीं मिलता और ये जो प्लानिंग है ना कि लास्ट बंदे को हम चारों पेन से मारेंगे तो ये प्लानिंग मेरे टीममेट्स की थी पर मैंने तो मन बना लिया था कि लास्ट वाले की किल मैं ही लूंगा तो यहाँ पे इनको मैं उल्लू बनाता हूँ सामने मेरे को पत्थर के पीछे एक बंदे जैसा लगता है तो मैं गाड़ी पीछे रोक के आगे आता हूँ अकेला खतम हो गया क्या नहीं वो मेरे को सुसुआ थोड़ा साइड में करके आता हूँ बोलो और यहाँ पे आके पता चलता है कि मेरा ही उल्लू बन गया मतलब मेरी आंखों का धोखा हो गया मेरे को बंदे जैसा दिखा था पर यहाँ पे कोई नहीं होता अब लास्ट बंदा और लास्ट बंदे के हिसाब से ये जो सर्कल है ना बहुत बड़ा था तो कुछ नहीं अब हमको वेट करना था कि बंदा कब सामने आए और फिर पेटी बनाए तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे और तभी लास्ट बंदे को दिखाऊं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अपने दूसरे चैनल डी पे एक और वीडियो आ चुकी है वो गेम प्ले रैंडम्स के साथ में तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो भी देख लेना इस वाली वीडियो के बाद

क्यों हिला डाला ना तो आज फिर से रेंडम को एक भी किल नहीं मिली तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो पसंद आई हो ना आज के लिए इतना ही है बस और आगे नहीं है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ और ऐसे ही खतरनाक रेंडम गेम प्लेस देखने के लिए इस वाले चैनल को कर लो सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना लव यू ऑल जय हिंद जय भारत जय श्री महाकाल